Hi students, today I am going to teach you second lesson of 5th standard number work. Okay, so problem set 2. Now using the question 1 is using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Write 10 each of 2, 3, 4, 5 digit numbers and read the numbers. Okay. सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन नंबर्स. तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये जो है इसके हमें टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर वो लिखना है और हमें पढ़ना भी है. तो अभी फॉर एग्जांपल पहले लिखो टू डिजिट नंबर. पहले एक कॉलम बनाओ या डायरेक्टली लिख दो कि यहाँ पे लिखेंगे तुम लोग कि टू डिजिट नंबर. ओके, यहाँ पे लिखने के बाद और टू डिजिट नंबर कौन कौन से आएंगे बोलो मुक्ता. 94, 96, 83, 78, 68. एब्सोल्युटली राइट. तो 10 कौन से भी नंबर, जैसे कि अभी 1, 2, 12 या हो गया 4, 3, 43, 90 भी लिख सकते हैं. हाँ, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगी 07. तो ये टू डिजिट नंबर रहेगा या नहीं मुक्ता, गिव मी आंसर यस और नो. नो टीचर. नो, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जीरो पहले जीरो आएगा तो वो नंबर रहेगा हमारा वन डिजिट नंबर एंड वी हैव टू मेक टू डिजिट नंबर. तो ऐसे 30 लिख सकते हो, 36, 36, 38 लिख सकते हो, 39 लिख सकते हो, लेकिन 03 या 01 ऐसे नहीं लिख सकते हो. अभी उसके बाद में आपको करना है थ्री डिजिट नंबर. तो जैसे कि लेकिन सिर्फ पहले जीरो मत लो. हाँ, तुम लोग 102 ऐसे लिख सकते हो, ये हुआ तुम्हारा थ्री डिजिट नंबर. 678 लिख सकते हो, 749, 749 ऐसे लिख सकते हो. तो ये हुए तुम्हारे थ्री डिजिट नंबर. अभी कौन से भी फोर डिजिट नंबर बनाओ. चलो बोलो मुक्ता. फोर डिजिट नंबर बनाना है. यहाँ पे टू डिजिट नंबर हुआ, थ्री डिजिट नंबर मैंने बताया, अभी फोर डिजिट नंबर है. सपोज चलो 1, 5, 8, 9 बोल सकते या 0 बोल सकते, लेकिन फोर डिजिट होना चाहिए. हो गया, कुछ भी 3, 4, 0, 8 बीच में 0 डाल सकते, सिर्फ पहले 0 नहीं ले सकते. हाँ, ऐसे कुछ भी करके, कुछ भी नंबर्स लेके हमारे हुए फोर डिजिट नंबर. अभी हम जाएंगे फाइव डिजिट नंबर की तरफ. हाँ, तो 1, 3, 7, 8, 2 ये हुआ हमारा फाइव डिजिट नंबर. या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8, 0, 1, 2 और 7 ये हमारा हुआ फाइव डिजिट नंबर. इस तरह से तुम लोग वो नंबर्स लिख सकते हो. तो हमें सिर्फ पहले लिखना है टू डिजिट, उसके 10 नंबर, थ्री डिजिट के 10, फोर डिजिट के 10 और फाइव डिजिट के 10 नंबर्स मुझे लिख के आपको ग्रुप पे सेंड करना है. अभी है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसको हमें फिल करना है. तो ये है देवनागरी नंबर्स. देवनागरी नंबर्स मीन्स मराठी में, इंटरनेशनल मीन्स इंग्लिश में, और नंबर मीन्स अभी यहाँ पे हम नोटेशन जैसे लिखते हो ना वैसे वर्ड्स में लिखना है, ये पूरा वर्ड्स में. तो इस तरह से हमें ये लिखना है. तो यहाँ पे देखो 32,776 दैट इज द मराठी नंबर. वी हैव टू राइट इट इन इंग्लिश. हाउ टू राइट,
यहाँ पे लिखो पहले थ्री, हाँ 32,000, हाँ तो यहाँ पे कॉमा करो, 7 लिखो, 5 लिखो और 6 लिखो, ये हुआ हमारा इंटरनेशनल नंबर। बाद में हमें यहाँ पे लिखना है, वो डायरेक्टली हमें वर्ड्स में लिखना है 32,756, ऐसे 32,756। चलो हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट ऐड कर सकते कि नहीं। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे समझ में आया तुम लोगों को, यहाँ पे हमें क्या लिखना है बोलो। हाँ 756, हाँ वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा, हाँ यहाँ पे तुम लोगों को आंसर लिखना है 32,756। बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, मराठी में लिखना है, क्या करना है मराठी में लिखना है, क्या लिखना है, सिक्स ये पूरे जो नंबर्स दिए गए हैं ना वो आप लोगों को सिर्फ मराठी में लिखने हैं। और यहाँ पे पूरा उसका क्या करना है हमें, इसमें लिखना है, ये जो है ना यहाँ पे नंबर्स हमें वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे मराठी, यहाँ पे इंग्लिश, ये तो ऑलरेडी है वर्ड्स। ओके समझ में आया यहाँ तक, वेरी गुड। तो आगे चले, अभी यहाँ पे है, चलो रीड करो ये। एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, क्या है अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रॉसर्स, रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो ये पूरा हमें बताया गया है कि अभी यहाँ पे क्या कि प्लास्टिक जो है उसका यूज हमें अवॉइड करना है, ऐसे यहाँ पे बताया है। तो ये जो जिला परिषद स्कूल है उन्होंने क्या किया है कि प्लास्टिक बैग्स तैयार किए हैं और वो सबको प्रोवाइड किए हैं, किस किस को, स्टोर्स को, ग्रीन ग्रॉसर्स वाले को, सबको प्रोवाइड किया है। तो चलो यहाँ पे कितने प्रोवाइड, कोपरगांव में कितने प्रोवाइड किए हैं वो देखते हैं। हाँ शेगांव में कितने, 28,000। हाँ यहाँ पे क्या करना है पता है, सिर्फ ऐसा एक कॉलम ऐसा है ना, एक और एक टेबल बनाओ नोटबुक में, सिर्फ ऐसा टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे ही नीचे आगे का वैसे की वैसे ही टेबल बनाना है, सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, ये ऐसा टेबल बनाया, ये जो नंबर्स है ना ये पूरे नंबर्स वो यहाँ पे लिख देने हैं, वर्ड्स में लिख देने हैं, ये भी 28,000 जो भी नंबर्स हैं वो पूरे क्या करना है तुम लोगों को, ये इसमें ये जो है ना इसमें पूरा वर्ड्स में लिखने हैं, समझ में आया, यहाँ पे भी वर्ड्स में लिखना है नंबर्स,
यहाँ पे भी 10,972 ऐसा सिर्फ नंबर्स में लिखो, इतना ही तुम लोगों को करना है। समझ में आया? हाउ मैनी रुपीज डू दे मेक? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टोटल कितने रुपीज होंगे वो लिखना है। 20, तो ये है 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो अभी पहले क्या करेंगे हम लोग, पता है तुम लोगों को कि तुम लोगों को क्या बोला गया है कि अभी यहाँ पे पेपर नहीं है मेरे पास, कैसे समझो, यहाँ पे 20 नोट्स हैं, कितने रुपीस के नहीं सॉरी हाँ बराबर 1000 रुपीस के 20 नोट्स हैं। तो तुम लोगों को ये लिखना है कि 20 रुपीस के जो नोट्स हैं, सॉरी 1000 रुपीस के जो नोट्स हैं वो 20 है, तो 2 × 2 तो टोटल कितने रुपीस हुए हमारे 20,000। अभी यहाँ पे ये बना के दिखाना यहाँ पे थोड़ा हार्ड जा रहा है, ठीक है यहाँ पे बनाती हूँ। 20 के थाउजेंड ने तो कितना हुआ, 20,000 हो गए। बाद में 5 रुपीस के 100 नोट्स हैं, वापस से तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि 5 रुपीस के यहाँ पे, हाँ वेट अ मिनट, यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है 5 रुपीस के कितने बताए गए हैं मुक्ता, 100 तो कितने हुए 500। वेरी गुड, तो हुए 500। तो ये बराबर यहाँ यहीं पे आना चाहिए, ओके। बाद में कितने बताए गए हैं, 10 रुपीस के कितने हैं, 10 रुपीस के 14 नोट्स हैं, तो वो भी तुम लोगों को लिखने हैं कि 10 रुपीस के 14 है, उसका मतलब 140, एब्सोल्युटली राइट। और ये सबको ऐड करना है, 0004 कितने पैसे हुए, 5 + 1 यहाँ पे 6 उल्टा काउंट करके आना है हमें, 20,640 यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, 20,640 रुपीस टोटल यहाँ पे हमें ऐसे लिख के उनको बताना है। समझ में आया मुक्ता कि ये जो सम्स है पहला वाला ये मैंने करके दिखाया है, तुम लोगों को दूसरा वाला तुम लोग करोगे। समझ में आया कैसे करते वो? तो अभी जो है ये राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स। अभी हमें टोटल टोटल नंबर दिए गए हैं हमें 5, हमें क्या करना है कि बिगेस्ट नंबर बनाना है। तो पहले बिगेस्ट नंबर बनाते, चलो बिगेस्ट नंबर बनाते वक्त पहले सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिखेंगे वो है 7, उससे छोटा हम लोग लिखेंगे 4, उससे भी छोटा लिखेंगे 5। बिगेस्ट नंबर बनाना है तो बड़े से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो छोटे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आएगा 3 और उसके लास्ट में अभी होगा 0। ये हमारा है बिगेस्ट नंबर। समझ में आया? ये बिगेस्ट नंबर,
अभी स्मॉलेस्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे बोलो मुक्ता, क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर? पहला नंबर क्या आएगा? हाँ क्या आएगा पहला? एब्सोल्युटली राइट, थ्री। क्योंकि जीरो कभी भी आता नहीं, जीरो हम लोग पहले जीरो लिखेंगे और बाद में नंबर्स लिखेंगे तो वो फोर डिजिट नंबर बनेगा और हमें चाहिए फाइव डिजिट नंबर। तो पहले आएगा थ्री, बाद में आएगा जीरो, उससे थोड़ा बड़ा आएगा फोर, बाद में आएगा हाँ थ्री जीरो फोर हाँ फाइव और सेवन। ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया? तो तुम लोगों के नोटबुक में तुम लोगों को लिखना है बिगेस्ट नंबर, फाइव डिजिट नंबर, और नंबर आएगा ये, बाद में लिखो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर तो आएगा ये। समझ में आया? इस तरह से तुमको आज मुझे करके दिखाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या किया गया है कि उन्होंने कुछ क्लासेस दिया है और वहाँ के पॉपुलेशंस दिए गए हैं और हमें उसके हिसाब से हमें देखना है कौन से जो गांव है या विलेज है उसका किसका पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ा है और किसका कम। तो ये जो दिया गया है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन? तो ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन किसका है? हाँ पहला जो है गगन बावड़ा, गगन बावड़ा, गगन बावड़ा। दूसरा है बोधवड़, ये नाम है बोधवड़। तीसरा जो नाम है वो है मोरेगांव। चौथा नाम है भामरागढ़। हाँ और ये जो नाम है वेल्ले, क्या नाम है? वेल्ले। ओके आगे का है अस्ती, क्या नाम है? अष्टी, सॉरी अष्टी। आगे का नाम है वाशी और उसके आगे है मोरवाड़ा, क्या नाम है? मोरवाड़ा। तो अभी उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस किसका है? तुम लोगों को ये करते समय आप लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में सब नंबर्स लगा लो। ओके असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने के बाद में जो भी लास्ट में नंबर आएगा वो रहेगा हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नंबर। तो ये उसमें पहले तुम लोग अपने नोटबुक में असेंडिंग के बाद में आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नंबर आएगा ये। तो वाशी जो है इसका, वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो कितना है? दैट इज 92,173 ये आएगा पहले का आंसर। ओके तो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है विच प्लेस मोरवाड़ा, ओके मोरगांव, विच प्लेस मोरवाड़ा बोलो और मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट ग्रेटर पॉपुलेशन। तो मोरवाड़ा और मोरेगांव दोनों में से किसका पॉपुलेशन बड़ा है? ओके तो हाँ ओके तो मोरवाड़ा का, ये नहीं मोरेगांव का बड़ा है ना, ये देखना अभी, ये है हमारा मोरेगांव और ये है हमारा मोरवाड़ा।
तो देखो दोनों में से किसका पॉपुलेशन बड़ा है? तो मोरेगांव, द पॉपुलेशन ऑफ द मोरेगांव इज ग्रेटर देन मोरवाड़ा। समझ में आया? ऐसे हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। सबसे कम वाला पॉपुलेशन वाला कौन सा है? तो ये वाला सबसे कम है। तो हमें लिखना है गगन बावड़ा कहाँ है। हाँ, द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हैज गगन बाब क्या है ना गगन बावड़ा हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन दैट इज 35,777। ऐसा इसके हमें सब इसका इसका और इसका ये तीनों का हमें क्या करना है, नोटबुक में आंसर लिखने हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अभी ये जो नंबर्स हैं, प्रॉब्लम सेट 3 भी करके रखो। तो यहाँ पे देखो, हमने ये देखा यूनिट में, सपोज ये नंबर है 7, मैं लिख लेती हूँ पहले 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो प्लेस है ये आएगा यूनिट में, ये टेंस में, ये हंड्रेड में, ये थाउजेंड, 10,000, और ये नंबर किस में आएगा अभी? लैक। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये वर्ड्स में लिखने हैं। तो 7,65,002। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, 7,65,234। ये जो नंबर है हमें ये वर्ड में लिखना है। यहाँ पे भी सेम 4,73,225। ओके, आगे का नंबर है पढ़ो। 3,27,001। एब्सोल्युटली राइट। आगे 8,75,375। ये पढ़ो। 4,03,004 and 5, absolutely 4,03,005, 4,03,005, ये पढ़ो। 5,75,001 and 1 नहीं, 10, लास्ट टू डिजिट है ना यहाँ पे, या ये देखो, हाँ यहाँ पे 10 दिख रहा है। तो 5,75,010। इस तरह से तुम लोगों को ये सब, यहाँ पे भी 2,03,174 ये लिखना है। तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। अभी मैं आगे का लेती हूँ। रीड द नंबर एंड राइट द फिगर 1,35,008। तो देखो अभी पहले 1,00,000 मैंने लिखा, 1,00,000 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा 1,00,000, बाद में है कितने हैं 35,000, उसके बाद में 3 डिजिट आने चाहिए हमारे पास, 35,008। तो 8 है यूनिट प्लेस में, इसलिए ये यूनिट प्लेस में 8 जाएगा। बीच में दो जितने ये बचे डिजिट वो आएंगे 0,0। तो 1,35,008, यहाँ पे एंड नहीं है, फिर भी हमें समझ लेना है। समझ में आया तुम लोगों को?
Yes or no? Yes, teacher. Very good. हाँ, तो यहाँ पे अभी सेकेंड वाला 7,27,000 पहले मैं लिखती हूँ 7 लाख, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 लाख मीन्स उसके आगे 5 डिजिट होंगे. ओके तो 7,27,000, तो 27,000 यहाँ पे आता है 27,000 और 3 डिजिट बचे 27,155. तो 100 मीन्स 1, 155. तो यहाँ पे आया 55. ओके इस तरह से, हाँ इस तरह से तुम लोगों को आएगा भी ये 9,09,000 है तो 1,009 आएगा 9,099. 100 का दिया गया नहीं है तो 0 आएगा और यहाँ पे आएगा, जहाँ पे दिया नहीं है वो आएगा 100. तो ये हुआ हमारा, ये 1,000 के लिए कॉमा, ये लाख के लिए कॉमा. तो 9,09,099 समझ में आया? 9,09,099. ओके ठीक है. अभी यहाँ पे ये 8 लाख आएगा. 8 लाख कैसे लिखोगे? बोलो एक मिनट. ये मैं वापस कर दूँ. ये 9 लाख यहाँ पे 9,09,000. ओके वो बराबर है, नहीं बराबर है हमारा वो, सॉरी बराबर है. हाँ कौन सा 8 लाख है ना, तो 8 के आगे सिर्फ 5 जीरो रख दो. 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 8 लाख. 3 के बाद कॉमा और 2 के बाद कॉमा, ये हुआ हमारा 8 लाख. समझ में आया? इस तरह से तुम्हें ये भी क्वेश्चन नोटबुक में, ये हुआ अभी, ये भी तुम लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करना है. बाद में है मेक 5 6-digit नंबर ईच टाइम यूजिंग एनी ऑफ डिजिट 0 to 9 ओनली वंस. 0 to 9 में से कौन सा भी एक ही टाइम आना चाहिए. 6-digit नंबर बनाने हैं तो पहले सिर्फ 0 प्लीज मत ले लो, बाद में कुछ भी नंबर ले सकते हो. 1, 5, 0, 8, 9 और क्या ले लूँ, 7, 2. 6 डिजिट हो गया लेकिन. तो ये हुआ हमारा 6-digit नंबर, यहाँ पे 7 था ना. ऐसे 0 to 9 में से हमें 6-digit नंबर बनाना है. तो प्रॉब्लम सेट जो है 3 वो भी कंप्लीट करके मुझे भेज दो. बाद में है रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स. हमें ये जो नंबर्स हैं वो रीड करने हैं और वर्ड्स में लिखने हैं. तो वो कैसे लिखते हैं थोड़ा ऊपर देखते हैं. देखो अभी यहाँ पे 31, यहाँ पे देखो लाख, ये जो है ये अभी 1 लाख तो यहाँ तक हमें लाख का ही है ना. तो ये है 31,25,745. 91 लाख एंड 6 डायरेक्टली यूनिट का है. समझ में आया? यस.
इस तरह से हमें लिखना है 63,9,988। बस हो गया, बीच में सब जीरो है। तो ये भी तुम लोगों को कंप्लीट करके भेजना है 30,70,506। ये करो 60,10,70,100,000 80,01,000 इतना ही 80,01,000 90,10,000 91,00,000 21,09,999 आएगा 21,09,000 समझ में आए इतना? ओके, गिवन बिलो आर द डिपॉजिट्स मेड इन वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, रीड दोज फिगर्स। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कुछ हम उन्होंने डिपॉजिट दिया है, पैसे दिए। वो कितने दिए पुना में, कितने दिए ये पढ़ना है सिर्फ, बस पढ़ो। 9,000,000 हाँ, लेकिन ये पढ़ते वक्त देखो पहले यहाँ पे ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है वो हमें देखना है। तो वो साइन है रुपीज, तो वो हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे है क्या, कहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लिखना पड़ता है रुपीज। कैसे पढ़ना है रुपीज? 29,000 हाँ, फिर से नासिक में कितना दिया रुपीज 61,07,187। ये पढ़ो अभी। वेरी गुड। तो समझ में आया ये पूरा? तो ये अभी जो है ये आएगा 3 जो है वो यूनिट में, 4 जो है टेंस में, मीन्स 40, 0 ये बाद में मैं एक्सपायर्ड फॉर्म का जो है वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी। लेकिन यहाँ तक समझ में आया पूरा? तो प्रॉब्लम सेट 4 तक तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।